हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक कुकिंग चैनल। आज मैं आपको उड़द दाल के अप्पे बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम उड़द दाल ली है। इस दाल में डाल दीजिए पानी। पानी से हमें इसे एक बार धो लेना है। इस पानी को फेंक दीजिए और इसमें फिर से पानी डालिए। हमें इस दाल को 7 से 8 घंटे तक पानी में भिगोए रखना है। तो 7 घंटे हो चुके हैं। इस दाल में से पानी को निकाल लीजिए या फिर दाल को मिक्सर जार में डालिए। दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है मैजिक मीनाक्षी। 3 हरी मिर्च, 4-5 करी लीव्स, इसे मिक्सर में पीस लीजिए। इसकी हमें बारीक पेस्ट बनानी है। तो मैंने दाल को पीस लिया है। देखिए, आपको इस तरह से दाल को पीस लेना है। तो अप्पे का बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें डाल दीजिए स्वादानुसार नमक, 1/3 चम्मच बेकिंग पाउडर और इसे हमें एक ही डायरेक्शन में 5 मिनट तक मिलाना है। देखिए बैटर किस तरह फूल रहा है। तीसरे साइड में रख दीजिए। अप्पे के कंटेनर को गैस पर रखें और उस पर तेल लगाएं। तो अप्पे कंटेनर पर मैंने तेल लगा लिया है। इसमें बैटर को डालें। इसे हमें ढककर 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल छिड़के। अब अप्पे को पलट दीजिए। जो अप्पे अच्छे से कुक हो चुके हैं उनको पलट दीजिए। अब फिर से इस पर तेल छिड़के। अब हमें इसे 7 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है। तो 7 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि अप्पे भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। इन्हें एक प्लेट में निकाल लीजिए। तो उड़द दाल के अप्पे तैयार है। इसे गर्मा गर्म सांभर और चटनी के साथ सर्व कीजिए।